दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बहुत बार अक्सर आप में से बहुत सारे यूजर्स ने मुझसे पूछा है कि क्या वाईफाई यूज करना हमारी सेहत के लिए ठीक है या फिर क्या वाईफाई यूज करने से हमारी सेहत पे किसी तरह का कोई नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो आज हम वीडियो देखते रहिए और मैं कोशिश करूंगा आपको एक काफी अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताने की कि क्या वाकई में वाईफाई आपकी सेहत के लिए खतरनाक है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आज से पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां मैंने आपको बताया है कि क्या वाकई में स्मार्टफोन के रेडिएशन से आपको खतरा है या फिर नहीं है, या फिर क्या वाकई में जो टीवी के लिए रिमोट कंट्रोल्स हैं वो आपके लिए खतरनाक है या नहीं है। और ऐसे में आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने, ऑलमोस्ट सभी आप सभी व्यूअर्स ने मेरी बातें मानी भी हैं। लेकिन क्योंकि रोज रोज हमारे सामने तरह तरह के फेसबुक पोस्ट आते हैं, तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं और वहां पर लिखा होता है कि वाईफाई यूज मत करना, वो आपके लिए खतरनाक है, या फिर वाईफाई जो राउटर है वो बहुत सारे रेडिएशन आपके पूरे घर में फैला देता है, रात को सोते समय वाईफाई ऑफ करके सोइए, फोन को सिर के पास रखकर वाईफाई ऑन करके मत सोना, वरना तरह तरह के नुकसान आपके शरीर में हो सकते हैं। तो उन्हीं डाउट्स को लेके पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी सवाल आ रहे हैं आप ही व्यूअर्स के कि क्या वाईफाई से हमें किस तरह का खतरा है, और अगर नहीं है तो क्यों है, और अगर है तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो सारी स्टोरी है वो शुरू कहाँ से होती है। देखिए जो शुरुआत है दोस्तों वो होती है वाईफाई के बैंड से। जो वाईफाई काम करता है वो काम करता है दो अलग अलग बैंड्स पे। जो सबसे पहला सबसे कॉमन बैंड है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, और उसके अलावा जो दूसरा बैंड है वो है 5 गीगाहर्ट्ज का। अब यहाँ पे जो गलती है वो उस 2.4 या उस 5 की नहीं है, यहाँ पे जो गलती है वो है गीगाहर्ट्ज की। मतलब एक आम इंसान सुन ले या फिर आधी अधूरी बात किसी को बता दे या कहीं से समझ ले तो वो जो गीगाहर्ट्ज वर्ड ना वो सारी गड़बड़ कर देता है। मतलब बोलते हैं कि गीगाहर्ट्ज, इतनी रेडिएशन घर में बंद कमरे में एकदम एक जगह पे फैल रही है, गर्मी हो रही है, पता नहीं क्या क्या, और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये जो नॉर्मल मेंटालिटी है जहां पे एक नॉर्मल यूजर जिसको नहीं पता है इतना साइंस के बारे में, शायद वो ये सोचता है कि गीगाहर्ट्ज इतनी सारी हाई एनर्जी पता नहीं मेरे लिए कितनी खतरनाक है। लेकिन ऐसे में शायद आपको एक बात मैं बताऊं तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, आपको पता है हालांकि, लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो लाइट, जो रोशनी हमारे चारों तरफ है, जो हम तरह तरह के रंग देखते हैं, वहां पे दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी है वो तो टेराहर्ट्ज है, वो तो गीगाहर्ट्ज से भी बड़ी है। हमने उसके बारे में कभी टेंशन नहीं किया कि अरे ये तो सामने लाल रंग है, यहाँ से तो बहुत रेडिएशन निकल रही है, तो टेराहर्ट्ज रेडिएशन है। या जो रोशनी हमारे चारों तरफ है वो तो उसकी रेंज बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने वहां पर कभी भी नहीं सोचा। तो ऐसे में वाईफाई हमारे लिए खतरनाक कहां से बन गया, या फिर वाईफाई से नीचे इवन माइक्रोवेव्स, या माइक्रोवेव से नीचे इवन रेडियो वेव्स वगैरह, वो हमारे लिए खतरनाक कहां से बन गई। लेकिन ऐसे में बहुत सारे यूजर्स या व्यूअर्स ऐसे भी होंगे शायद जो ये सोचते हैं कि माइक्रोवेव में जो खाना गर्म हो रहा है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है उस खाने के अंदर, और वहां पर कुछ ना कुछ रेडिएशन जो है वो उस बर्गर के अंदर या पिज्जा के अंदर आ गई है, तो वो खाना हमारे लिए खतरनाक। तो वो भी गलत है, क्योंकि वहां पर जो माइक्रोवेव वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस खाने में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स को वाइब्रेट करती हैं इस तरीके से कि वो गर्म हो जाएं और आपका खाना आप ठीक से खा पाएं, जिस तरीके से कोई स्टोव गर्म करता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे वो उसके अंदर कुछ रेडिएशन छोड़ रही हैं। जो रेडिएशन हमारे दोस्तों नुकसानदायक होती हैं वो होती हैं अल्ट्रावायलेट और इससे ऊपर के रीजन की, जो आप सुनते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज वगैरह वगैरह। ऐसे में वो जो रेडिएशन है वो हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारे जो सेल्स उनको डैमेज कर सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो यूवी रेज है वो हमारे लिए खतरनाक है, या फिर जो गामा रेज वगैरह है वो हमारे लिए खतरनाक है। लेकिन एक नॉर्मल माइक्रोवेव या गीगाहर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी, या फिर नॉर्मल आपका जो विजिबल लाइट है टेराहर्ट्ज, वो कोई भी नुकसानदायक नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वहां पे वो जो वाईफाई राउटर है दोस्तों वो इतनी पावर का एंटीना वहां पे यूज करता ही नहीं है। अगर आपको लगे पहली बात तो आपको और एक बार क्लेरिफाई कर दूं कि वहां पे जो एंटीना उसकी पावर कितनी होती है, 0.1 वॉट, 0.2 वॉट। लेकिन अगर आपके घर में एक एलईडी बल्ब है, अगर एक 100 वॉट का एलईडी बल्ब है तो हम कभी नहीं सोचेंगे, जबकि वो तो वहां से 100 वॉट टेराहर्ट्ज की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आएगा। हमारे दिमाग में ख्याल आएगा उन वाईफाई की तरंगों का, गीगाहर्ट्ज का, जो हमारे शरीर में घुस के शायद उसको खराब कर दे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ऐसे में आप समझ गए होंगे कि जो भी ये वाईफाई सिग्नल्स हैं या जो भी माइक्रोवेव्स वगैरह हैं या रेडियो वेव्स वगैरह हैं वो हमारे लिए कंप्लीटली सेफ है, इसमें कोई भी हमको खतरा नहीं है। आप इनको बड़े आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल साइन के, या फिर बिना किसी ऐसी कंडीशन के कि रात को सोएं तो ऑफ करें, सुबह उठे तो ऑन करें, पास मत जाएं, दूर मत जाएं,
बिना किसी टेंशन के आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम्पल आप समझ गए हैं, और अगर आपके पास में कोई ऐसा मैसेज आता है या आपको फेसबुक ऐसा पोस्ट देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, जिससे वो जान पाए कि सच्चाई क्या है। तो अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक टेक्निकल वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।